मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोमवार को दिल्ली में केंद्र नेतृत्व से मिले। उन्होंने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अचानक प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंच गए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के दिल्ली में होने से ऐसा माना जा रहा है कि एक दो दिन के अंदर मित्रमंडल का विस्तार हो सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में कुल 5 मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थकों के साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद पर शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, राजेश शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे सिंधिया, जगदीश देवड़ा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं इंदौर से उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा राजधानी भोपाल से विश्वास सारंग, रामेश्वरम शर्मा, विष्णु खत्री, इन तीनों विधायकों में से किसी एक विधायक को राजधानी भोपाल से मंत्री पद पर नवाजा जा सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे प्रशासनिक कामों से दिल्ली जाना होता है और इसी संदर्भ में उनकी ये यात्रा है। जहाँ तक मंत्रिमंडल गठन की बात है तो बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा और इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राय मशवरा जारी है। सर, जो सिंधिया के जितने भी समर्थक मंत्री थे, हम सबको दोबारा क्या मंत्री बनाया? भारतीय जनता पार्टी में किसी के समर्थक किसी इस तरह कोई बात नहीं होती है। जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सिंधिया जी के साथ जो बड़ी संख्या में विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए थे, जिन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया, उन्होंने बड़ा त्याग मध्य प्रदेश के हित में किया है और उनके त्याग का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी।